नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के अवसर पर आज बिहार की राजधानी पटना में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलकेरकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेताजी की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वहीं राज्यपाल ने संयुक्त सशस्त्र बल की सलामी ली और एनसीसी कैडेट और स्काउट गाइड के परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा आरती पूजन, भजन, कीर्तन, बिहार गीत और देशभक्ति गीत के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व नौछावर कर दिया। नेताजी अपने विचार और प्रेरणा के लिए आज भी युवाओं के बीच अपनी अलग स्थान कायम किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि नेताजी ने भारत को एक शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र बनाने की कल्पना की थी। हर व्यक्ति को उनके इस कल्पना को साकार करने के लिए एक साथ आकर काम करने की जरूरत है। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि हमें नेताजी के आदर्शों पर चलकर देश को एक महान राष्ट्र बनाना चाहिए। समारोह में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, परिवहन मंत्री शीला कुमारी सहित उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कासनौला प्रखंड के मध्य विद्यालय बेलडीहा में आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर प्रभारी प्रधानाध्यापक सुभाष चंद्र पासवान समेत अन्य शिक्षकों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान प्रधानाध्यापक सुभाष चंद्र पासवान ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के महानायक थे। उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाते हुए देश पर अपनी जान कुर्बान कर दी। वह एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना कर देश को आजाद कराने और दुनिया से ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने का प्रण लिया था। उन्होंने जय हिंद व दिल्ली चलो का नारा दिया था। साथ ही उनका तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा की ललकार देश के सभी नौजवानों में अनंत जोश भर दिया करती थी। आज की युवा पीढ़ी को नेताजी के जीवन संघर्षों से सीख लेने की जरूरत है। मौके पर शिक्षक प्रेमलाल भगत, विजय सोरेन, संदीप, नूतन, संगीता, अंशु एवं वार्ड सदस्य श्रीधारी पासवान समेत स्कूल के कई छात्र एवं छात्रा मौजूद थे। आज हम लोग MS वेल्डिया में सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं और यहाँ पे हमारे अतिथिगण जो भी आए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भागलपुर में मंगलवार को जीवन जागृति सोसाइटी और जिला परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत सेंडिस कंपाउंड के मुख्य द्वार से होते हुए समाहरणालय तक एक रैली निकाली गई। रैली में शामिल लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने का संदेश दिया। रैली में जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि सड़क सुरक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। सड़क दुर्घटनाओं में कई लोगों की जान चली जाती है, इसीलिए हमें सड़क पर चलने के दौरान सभी नियमों का पालन करना चाहिए। कार चलाते समय चालक एवं अन्य सवारियों को सीट बेल्ट एवं बाइक चलाते समय हेलमेट का उपयोग करना अनिवार्य होना चाहिए। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर होता रहता है। उन्होंने शहरवासियों से सड़क पर चलते वक्त सभी यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। रैली में जिला परिवहन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल थे। सुरक्षा माह चल रहा है और इसमें जीवन जागृति लगातार 8 वर्षों से काम कर रही है। अन्य क्षेत्र में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के तहत हम लोग हेलमेट पहनने की उपयोगिता, सीट बेल्ट लगाने की उपयोगिता, ओवर स्पीड से नहीं चलाएं इसके बारे में जानकारी देते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग एक डीमो दे रहे हैं कि किस तरह से सीट बेल्ट यदि नहीं लगाते हैं तो किस तरह से लोगों की मौत होती है। आप देख सकते हैं कि 2 व्यक्ति इसमें बैठा हुआ है, एक ने सीट बेल्ट लगाया है और दूसरा बिना सीट बेल्ट का है और दूसरा जो सीट बेल्ट नहीं लगाया है, गाड़ी चलती है यदि अचानक से कहीं ब्रेक लगता है तो वो किस तरह से सामने गिर जाता है और सामने टकरा कर उसकी मौत हो जाती है। तो सभी कार चालकों से और जो कार स्वयं चलाते हैं या जो ड्राइवर चलाते हैं सभी से अनुरोध है कि आप जब भी गाड़ी चलाएं, चार पहिया वाहन चलाएं, तो सीट बेल्ट दिया हुआ है आपको, जान बचाने के लिए दिया है, वो आपकी रक्षा है, वही असली जीवन साथी है जो संकट के समय आपको काम देता है, आपको पकड़ कर रखता है,
लेकिन यदि आप उसको भुला देंगे तो जीवन शायद आपको भुला देगी। इसीलिए आप ध्यान रखें कि लाखों की गाड़ी लेते हैं वह आपके जान का दुश्मन नहीं बने, वो आपका साथी बना रहे, आपका परिवार आपसे नहीं बिछड़े, आपके परिवार से आप नहीं बिछड़े। इसके लिए सीट बेल्ट को एक साथी के तरह उपयोग करिए, उसको हमेशा अपने कलेजे से लगा रखिए तो आपकी मौत नहीं होगी। भागलपुर समाहरणालय स्थित कचहरी चौक पर मंगलवार को तब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब ई रिक्शा और एक मोटरसाइकिल आमने सामने टकरा गई। बता दें कि 3 बजे के करीब मनाली चौक की ओर से आ रही ई रिक्शा की भिड़ंत तिलकामांझी की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही बाइक से हो गई, जिसके बाद ई रिक्शा चालक के 2-3 साथी मौके पर पहुंच गए और बाइक सवार को घेर कर मुआवजे की मांग करने लगे, जिससे सड़क पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई और जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखकर ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात प्रभारी अरुण पासवान मौके पर पहुंचे और बाइक चालक के द्वारा 3,000 रुपए ई रिक्शा चालक को दिलवाकर मामले को रफा दफा करवाया। घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, पर ई रिक्शा चालक की सामने का शीशा चूर हो गया। इधर आसपास के दुकानदार और राहगीरों ने बताया कि चौराहे पर गोलंबर नहीं होने की वजह से यहां पर अक्सर ऐसी घटना देखने को मिलती है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स बिहार टॉकीज रोड लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर में मंगलवार को सैंडिस कंपाउंड से जिला समाहरणालय तक आपदा मित्र और गोताखोरों ने तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा सैंडिस कंपाउंड से निकलकर पुलिस लाइन रोड, तिलकामांझी चौक, घुरनपीर बाबा चौक, खलीपाबाग चौक एवं घंटाघर चौक होते हुए समाहरणालय पहुंची, जहां शोभा यात्रा का समापन किया गया। यात्रा में शामिल आपदा मित्र और गोताखोरों ने बताया कि वे सभी निस्वार्थ भाव से अपना कार्य करते हैं, पर उनकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। उन्होंने बिहार सरकार और जिला प्रशासन से अस्थायी नौकरी व सम्मानजनक मानदेय की मांग करते हुए महीने के 4 दिन नहीं बल्कि 300 दिन काम करने की इच्छा जताई। तिरंगा यात्रा के बाद आपदा मित्र और गोताखोरों ने जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को अपना मांग पत्र सौंपा। आपदा मित्रों ने कहा कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, अन्यथा वे सभी आंदोलन करने को बाध्य होंगे। तिरंगा यात्रा में दर्जनों आपदा मित्र और गोताखोर शामिल थे। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम प्रशासन और जिला प्रशासन पदाधिकारी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हम लोगों जो काम करते हैं अपने क्षेत्र में, तो हम लोगों को काम महीने का 4 दिन काम मिलता है, 26 दिन काम नहीं मिलता है। तो हम लोगों का मांग यही है कि महीने का हमको काम चाहिए और अस्थायी नियुक्ति करके सरकार हमको महीने का काम दे। इसीलिए हमारा आज तिरंगा यात्रा निकाले थे ध्यान आकर्षित करने। ये तिरंगा यात्रा हम लोग इसलिए निकाले हैं कि हमारे अभी समय में बहुत संख्या में पेड़ घट गया है, जिससे आपदा का मात्रा ज्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं और कम वृक्ष होने के कारण से हम लोग का पोल्यूशन ज्यादा मात्रा में हो गया है। और
जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए आज भागलपुर से सैकड़ों कार्यकर्ता पटना के लिए रवाना हुए। इन कार्यकर्ताओं का नेतृत्व जनता दल यूनाइटेड के पूर्व जिलाध्यक्ष सुड्डू साई ने किया। सुड्डू साई ने बताया कि इतनी ठंड में जिस उमंग और जोश के साथ हजारों कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं, यह इस बात को दर्शाता है कि भागलपुर जिला के सभी कार्यकर्ता अपने नेता नीतीश कुमार को दिल से चाहते हैं और उनके प्रति समर्पण एवं भाव रखते हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में भागलपुर जिला की उपस्थिति अभूतपूर्व होगी। बता दें कि पटना में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राकेश कुमार ओझा, शकल देव मंडल, हसीब आलम, नरेश मंडल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता भागलपुर से रवाना हुए। पटना के वेटनरी कॉलेज में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी समारोह को लेकर बांका सांसद गिरधारी यादव, एमएलसी विजय कुमार सिंह एवं विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल के नेतृत्व में मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में जदयू कार्यकर्ता सुल्तानगंज से पटना के लिए रवाना हुए। वहीं सांसद प्रतिनिधि पवन केसान ने बताया कि जदयू के सभी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने एवं 2024 लोकसभा चुनाव में विजयी प्राप्त करने की संकल्प लेकर पटना के लिए रवाना हुए हैं। इस दौरान जदयू के कई नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। 24 जनवरी 2024 को वेटनरी कॉलेज पटना के मैदान में जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म शताब्दी समारोह जनता दल यूनाइटेड की ओर से बृहद पैमाने पर कार्यक्रम मनाया जा रहा है। आपकी नारे लगे।